आसन, इन दो चीजों से चूकना मत कभी। सूर्य भगवान को अर्घ स्त्री पुरुष दोनों दे सकते हैं, देना चाहिए। बच्चों से भी दिलवाइए, बीमार नहीं है, आरोग्यता संग नहीं छोड़ेगी। नारी वर्ग के लिए ऐसी बहुत बीमारियां हैं, वो उन बीमारियों का जिक्र डॉक्टर लोगों को भी नहीं कर। गर्भ में संतान है, बच्चे को जन्म देते समय ऐसी बहुत स्त्री बन जाती है, या बच्चा समाप्त हो जाता है या जन्म देने वाली माँ समाप्त हो जाती है। गर्भ में संतान है उस समय सूर्य भगवान को वंदन प्रणाम आप करेंगे। अंजनी माता ऐसा ही करती थी, प्रणाम ये था, अंजनी का लाल हनुमान विशेष हुआ, भगवान सूर्य नारायण की कृपा थी। सूर्य देव ऐसे प्रभावशाली देव हैं, तो क्या वर्णन है। इसमें बता दिया गया है कि आरोग्य कामोथ रविम, आरोग्यता के लिए सूर्य भगवान को रोजाना अर्घ दो। धन कामो होतासन, गरीबी का नाश करने के लिए, धन की चाहत रखने के लिए, घर में पैसों का अभाव न हो तो आप घर में यज्ञ आरंभ, ज्यादा नहीं 5 आहुतियां उसमें डालने, 7 डालने, 21 डालने, और जो आपसे बनती है वो डाले। इतना ध्यान रखिए, हवन यज्ञ करते हैं तो उसमें 1 आहुति है, उसके बिना यज्ञ पूरा नहीं होता, वो है ओम अग्नये स्वाहा। यूं तो 5 हैं, लिख सके तो लिख लो, ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः, ओम सोमाय स्वाहा, ओइदं सोमाय नमः, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय नमः, ओम वरुणाय स्वाहा, इदं वरुणाय नमः, ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये नमः। इदं नमः इसका अर्थ है ये मैंने अपने लिए नहीं भगवन, ये आवती हमने आपके लिए डाली। उसमें बोला जाता है इदम नमः, यानी ये मैं अपने लिए नहीं, ये मैं आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कर। जब भी यज्ञ करे तो अग्नि देवता का ध्यान करते हुए ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः, फिर आप आवती आप डालें। रामायण की चौपाइयों से डाले, कुछ भी ना हो तो गुरु मंत्र तो होगा उसे डाल लें। नवग्रह के मंत्र नहीं आते तो इतना बोल दीजिएगा क्या, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा। इसमें नमः भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा पाओगे तो आहुति में कोई दिक्कत नहीं है। ओम गुरवे स्वाहा, ओम भृगवे स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः। नवग्रह की आहुति, लक्ष्मी माता के लिए आहुति डालें तो 3 आहुति उसके लिए है। ओम अम्बाई उसके लिए महालक्ष्मी नमः स्वाहा, श्री लक्ष्मी नमः स्वाहा। लक्ष्मी माता के लिए आप आहुति डालते हैं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, श्री लक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम दिव्य लक्ष्मी नमः स्वाहा। लक्ष्मी माँ दुर्गा मैया की अम्बायै स्वाहा, अंबिकायै स्वाहा, अम्बालिकायै नमः स्वाहा। लक्ष्मी मैया का कुछ भी ना आता हो तो ओम श्रीयै नमः स्वाहा, ओम श्रीयै नमः स्वाहा, ओम श्रीयै नमः स्वाहा। छोटी छोटी सी बातें, इतने में ही आनंद हो जाएगा। तो इसमें लिखा है कि धन कामो हुतासन, जो हवन करते हैं जिनके घर में यज्ञ होता है उनके घर में गरीबी विपन्नता, विपन्नता गरीबी का ही नाम है, वो निकल करके घर में संपन्नता चल करके आ जाती है, सब आनंद हो जाता है। और पैसा भी ऐसा आता है जो कुकर्म ना कराए, अन्याचार दुराचार ना कराए, ऐसे धन की वृद्धि होती है, सबसे आनंद की बात है। हम तो कहेंगे कि हर सनातनी को रोज नहीं तो कम से कम 8 दिन में घर में 1 बार हवन करना ही चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। जो दिन आपको बढ़िया लगे वो देख लें, यजन करें।